हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू रॉन यूट्यूब चैनल एनी टाइम पढ़ाई मंत्रा। बहुत बड़ी अपडेट निकल के आ रही है VKSU आरा से। जो भी लोग इस बार स्नातक पार्ट थर्ड का एग्ज़ाम दिए हैं और वेट कर रहे थे कि आखिर मेरा कब रिजल्ट आएगा, क्योंकि विश्वविद्यालय ने जारी किया था नोटिफिकेशन कि 17 जुलाई को आएगा, 25 जुलाई को आएगा, लेकिन अभी तक रिजल्ट जारी नहीं हुआ है और छात्र बार बार 2016-19 के वेट कर रहे हैं कि आखिर मेरा कब तक रिजल्ट जारी होगा। तो आप देख सकते हैं, आपको ऑथेंटिक वीडियो प्रोवाइड करा रहे हैं। 2 अगस्त को जारी होगा पार्ट थर्ड का रिजल्ट। 2 अगस्त को आप लोग अपने जो भी आपका कॉलेज है उसमें जाके आप अपना क्रॉस लिस्ट देख सकते हैं। ग्रेजुएशन BA BSc BCOM पार्ट थर्ड 2016-19 VKSU के छात्र, जो इस बार 74,000 छात्र एग्जाम दिए हैं पार्ट थर्ड का और वेट कर रहे हैं रिजल्ट का बेसब्री से, तो आपके लिए बहुत बड़ी अपडेट है। 2 अगस्त को आपका रिजल्ट जारी हो जाएगा। अगर आप इस पेपर के आर्टिकल को रीड करना चाहते हैं तो फेसबुक पेज पर हम लोगों ने अपलोड कर दिया है, डिस्क्रिप्शन में डायरेक्ट लिंक है, वहां से आप हमारे फेसबुक पेज पर जाकर पेज को लाइक करके पूरा नोटिफिकेशन को पढ़ सकते हैं। आप यहां पे देख सकते हैं क्यों तिथि को बढ़ाया गया है, क्योंकि इसमें साफ जो एग्जामिनेशन कंट्रोलर हैं प्रोफेसर सिद्धेश्वर नारायण सिंह, ये बताए हैं कि जो भी रिजल्ट पेंडिंग है उस रिजल्ट को क्लियर किया जा रहा है। मतलब विश्वविद्यालय चाह रहा है कि कोई भी पेंडिंग रिजल्ट ना हो, पूरा क्लियरेंस के साथ आपको रिजल्ट प्रोवाइड कराया जाए, इसी में देरी हो रहा है। तो 2 अगस्त तक वेट कीजिए, 2 अगस्त को आपका क्रॉस लिस्ट आ जाएगा कॉलेज में। तो बहुत बड़ी अपडेट थी वीर कुंवर सिंह विश्वविद्यालय आरा के लिए, जिसको आपको वीडियो के माध्यम से क्लियर किए हैं। आशा करते हैं कि आपको वीडियो में दी गई जानकारी अच्छा लगा है, तो हमें अप्रिशिएट करने के लिए लाइक जरूर कीजिएगा, वीडियो को जितना हो सके शेयर कीजिए, जिससे सभी छात्रों अवेयर हो सके, सभी छात्रों को एग्जैक्ट डेट पता चल सके। तो ऐसे ही अपडेट पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय एंड टेक केयर।